हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आज मैं लेके आई हूँ एकदम दुकान जैसा, बल्कि दुकान से भी बेहतर टूटी फ्रूटी का रेसिपी। ये टूटी फ्रूटी आप आइसक्रीम के ऊपर डाल सकते हो। गर्मी का सीजन आ रहा है, कपकेक, केक और कोई भी फालूदा, कोई भी डिजर्ट के ऊपर डाल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाती हूँ दुकान से भी बेहतर टूटी फ्रूटी। मैंने यहाँ पे ग्रीन पपाया ले लिया, 750 ग्राम का है। छिलका और अंदर का जो सीड्स है वो उसके साथ ही है, 750 ग्राम। मोटा मोटा गोल गोल काट के फिर बीच का पोर्शन फेंक के, सीड्स फेंक के मैं क्यूब शेप पे काट लिया। अभी 5 कप पानी ले लेंगे एक डेगची पे, इसको गरम कर लेंगे। ये 5 कप पानी पे जब उबल आ जाएगा, एकदम धुआं निकलने लगेगा, तब मैं ग्रीन पपाया ऐड कर लूँगी क्यूब करके। ये जो ग्रीन पपाया है इसको ऐड करने से, फिर ब्लांच करना पड़ेगा, ऐड करने से और ब्लांच करने से पपाया का जो रॉ टेस्ट होता है वो चला जाएगा। 5 मिनट हाई हीट पे पूरा ब्लांच करके फिर रख दूँगी अलग करके। अभी मैंने 5 कप पानी और 4 कप, उसी कप का 4 कप चीनी लेके एक शुगर सिरप बना रही हूँ। इसको आहिस्ता आहिस्ता मीडियम फ्लेम पे सिरप बना लूँगी। शुगर सिरप एकदम रेडी हो गया, तो चाशनी रेडी होने के बाद मैं ग्रीन पपाया डाल दूँगी। और ग्रीन पपाया का छोटा छोटा जो क्यूब मैंने ब्लंच करके रखे थे, जिससे पपाया का रॉ टेस्ट और स्मेल चला गया, उसको डालने के बाद मैं इसको हाई हीट पे 13 से 14 मिनट बॉयल कर लूँगी। 13 से 14 मिनट बॉयल करने के बाद आप देखिएगा कि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा चेंज हो जाएगा, कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। और ये स्पैटुला हिलाते रहिए। साइड पे मैंने 5 कटोरा लगा लिया, क्योंकि मैं 5 कलर की बनाऊँगी। आप चाहे तो आप फूड कलर वाला जो पोर्शन है स्किप कर सकते हो, अगर आप फूड कलर यूज़ करना ना चाहते हो। फूड कलर इज़ टोटली ऑप्शनल। मैंने इक्वल अमाउंट से 4 कटोरी पे ले लिया और स्क्वायर कटोरी पे थोड़ा कम ले लिया। अभी मैं 10 ड्रॉप्स रेड फूड कलर डाल दिया, डार्क रेड कलर पाने के लिए। किसी को फूड कलर पसंद नहीं है तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 2 ड्रॉप रेड फूड कलर डाल दिया, इसको ऑरेंज कलर बनाना है। इस पे मैं 10 ड्रॉप्स येलो फूड कलर डाल दूंगी, तो बहुत सुंदर सा एक डार्क ऑरेंज कलर आ जाएगा। मेरे पास 4 फूड कलर हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। अभी अलग अलग स्पून ले लीजिएगा, अलग अलग स्पून से मिक्स करके रख दीजिएगा, नहीं तो कलर मिक्स हो जाएगा। देखिए रेड और ऑरेंज का डिफरेंस आप देख ही सकते हो, कितना सुंदर ऑरेंज कलर आया। अभी यहाँ पे मैं 10 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर डाल दूंगी। आप कम भी फूड कलर डाल सकते हो, उससे फीका फीका कलर आएगा। ये होममेड है तो इसीलिए मुझे एकदम डार्क कलर का बहुत अच्छा दिखने वाला टूटी फ्रूटी चाहिए था। अभी मेरे पास है जेल फूड कलर, तो मैं 3 ड्रॉप्स जेल फूड कलर डाल दूंगी। यह है ब्लू कलर का, एक्वामेरिन कलर आएगा। कितना सुंदर एक्वामेरिन कलर आया। और बाकी जो कटोरा है उस पर मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दूंगी, एक लेमन येलो कलर के लिए। देखिए कितना सुंदर लेमन येलो कलर आया। अभी 5 कलर आप देख सकते हो। अभी मैं रेड पे डाल दूंगी 2 से 4 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस। ये भी बहुत ही ऑप्शनल है। यहाँ पे डाल दूंगी मैंगो एसेंस, जो मैंने इंडियन स्टोर से लिया था। ऑरेंज पे मैंगो एसेंस डाल दूंगी, ग्रीन पे मैं आमंड एसेंस डालूंगी। मेरे पास कोई केसर का एसेंस या ग्रीन मैंगो का एसेंस नहीं है, इसीलिए मैं आमंड एसेंस डाल रही हूँ ग्रीन पे। ब्लू पे मैं वैनिला एसेंस डाल दूंगी और येलो को मैं ऐसे ही रखूंगी। आप लेमन एसेंस भी डाल सकते हो, लेमन एसेंस या लेमन एक्सट्रैक्ट, जो भी आप बोलो। और मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका मन चाहे तो कोई भी एक्सट्रैक्ट, कोई भी फूड कलर डालने का ज़रूरत नहीं है। अभी इसको मैं 15 घंटा भिगो के रख दूँगी, मतलब ऐसे ही रख दूँगी कवर करके
15 घंटा बाद मैं छन्नी की हेल्प से छान लूँगी और एक प्लेट पे मैंने टिश्यू लगा के इसको रख दूँगी। टिश्यू लगा के 5 से 6 घंटा मैं रख दूँगी और मैं सेंटर टेबल के ऊपर रखा है फैन चला के, आप देख सकते हो। ऐसे करके मैं 5 से 6 घंटा पूरा खुला रख दूँगी। फैन चला दिया मैंने, ऐसे ऊपर से खुला, मतलब ऊपर से ऐसे छन्नी देके रख दिया, कोई कीड़े मकोड़े इस पे ना पड़े। 5-6 घंटा बाद मैं प्लेट चेंज कर लूँगी, टिश्यू भी उठा लूँगी। अभी फिर मैं पूरा 1 दिन बाहर रख दूँगी। बेस्ट हो आप धूप पे इसको सुखा लो 3 से 4 घंटा, ऐसे 5-6 घंटा फैन के नीचे रखने के बाद तो ये ना श्रिंक कर जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए मेरा टूटी फ्रूटी इज़ रेडी टू सर्व। कितना अच्छा कलर एब्जॉर्ब कर लिया, मल्टी कलर हुआ। आप और भी, आपके पास कलर हो और भी कलर पे बना सकते हो। मैंने एकदम बेसिक बनाया, हाथ पे कुछ नहीं लगा। इसको आप डेजर्ट पे, आइसक्रीम, कोई भी डेजर्ट पे, आइसक्रीम पे, माफिन पे, कपकेक, केक, किसी भी चीज़ के ऊपर डाल सकते हो। तो देखिए कितना सुंदर टूटी फ्रूटी निकल के आया। अगर आपको अच्छा लगे ये रेसिपी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, एक लाइक करके मुझे इंस्पायर करना और कमेंट करके बताना आप बनाने वाले हो कि नहीं। अगर आप बनाने वाले हो वो भी मुझे बताना, रेसिपी कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय।